खबर शामिल करते हैं कोरंगी से, जहाँ कोरंगी इतिहाद कॉलोनी के इलाके की जानिब से कौमी शनाख्ती कार्ड के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत और पाकिस्तानी बंगाली सेक्शन कमेटी के बानी और चेयरमैन शेख मोहम्मद फिरोज, वाइस चेयरमैन रफीकुल हुसैनी, इलाकाई सदर मोहम्मद आलम, कारी नूर हुसैन, मरकजी रहनुमा इब्राहिम खलील और दीगर जिम्मेदारों ने भी शिरकत की, जिसमें एक्शन कमेटी के चेयरमैन शेख मोहम्मद फिरोज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहाँ पर हर पाकिस्तानी बंगाली बोलने वाले की कसीर तादाद में लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं, जहाँ पर उनका बड़ा मसला जो है उनका कौमी शनाख्ती कार्ड का है, जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट होने के बावजूद नादरा जब जाते हैं तो ये लोग उनको निकाल देते हैं और तरह तरह के सवाल करते हैं और उनको नादरा से निकालते हुए कहते हैं कि 71 का सबूत लेकर आए। इस सिलसिले के अंदर आला हुकाम से दरख्वास्त दी है कि इनके साथ नारवा सलूक बंद किया जाए। मौजूदा एलियन कार्ड से अफगानियों और POC कार्ड के हामिल गैर मुल्कियों को मतशनी करार दिया गया है। अब एक ही मजलूम तबका रह जाता है जिसे हर दर्द में तख्ता मश्क बनाया जा रहा है, लेकिन अब बानिया पाकिस्तान मुहिब वतन बंगला जबान बोलने वालों कोई भी तबका दीवार से नहीं लगा। सिक्के का यकसा हकूक हमारा भी हक है, हमें शनाख्त के हक से महरूम रखने की साजिश बंद की जाए और इसके हवाले से पाकिस्तानी बंगाली बरादरी की बुनियादी हकूक के हसूल के लिए एक्शन कमेटी ने 24 अक्टूबर बरोज इतवार को कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया।